हाय गाइस, वेलकम टू टेली स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्बर्ट डेविड कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, क्या हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें एल्बर्ट डेविड कंपनी की, तो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 13% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं, वो 1443 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल जो हम कंपनी के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, वो हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला। फिलहाल आप देखोगे हमें अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिली है। अगर हमें 1447 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देता है ना ट्रेडिंग सेशन में, तो कहीं ना कहीं जो हमें एल्बर्ट डेविड के जो शेयर प्राइसेस हैं, वो 1600 रुपये के लेवल तक जाते हुए दिखाई देंगे। इन केस अगर हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है, तो फिर जो मेजर सपोर्ट रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका 1130 का। फिलहाल आप देखोगे RSI भी इंडिकेट कर रहा है, जो कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं अब यहाँ से ओवरबाइंग जोन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ से हमें इस लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, जो कि 1447 का कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो नो डाउट हमें 1600 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इन केस अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, और फिर इस लेवल पर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। यह है हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए एल्बर्ट डेविड के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।